जो लड़की अभिनय नहीं कर सकती थी वो आज बॉलीवुड की रानी है। उनकी आलोचना उस ओम शांति ओम से शुरू हुई थी। एक स्तर में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस, शोपीस, ये सब उन्हें सुनना पड़ा था और अब वो बॉलीवुड की महारानी है। इस तरह दिन बदलना पड़ता है, जीवन में उत्तर देने का यही सही तरीका है। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण बात सही स्क्रिप्ट चुनना। अब वो और अधिक सफलता की ओर बढ़ रही है। दीपिका के अभिनय करियर की शुरुआत एक कन्नड़ फिल्म से हुई थी। हालांकि हिमेश के एक वीडियो सॉन्ग में मॉडलिंग करके बॉलीवुड में मशहूर हो गई थी। 2007 में ओम शांति ओम में अभिनय किया, जहां फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन वहां उनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। हालांकि फिल्म का स्टोरी उतना भी अच्छा नहीं था, सिर्फ शाहरुख के स्टारडम की वजह से ही फिल्म हिट हुई थी। 2008 में उन्होंने एक फिल्म बचना ए हसीनों में आलोचित हुई थी। खराब एक्टिंग, खराब कहानी के साथ ये फिल्म एक रुकावट वाली परियोजना थी, लेकिन 2009 में उन्होंने लव आजकल और लफंगे परिंदे से अपना एक्टिंग का हुनर दिखाया। लेकिन 2010 में उन्होंने फिर से हाउसफुल में अभिनय किया और ब्रेनलेस डायलॉग और ओवर एक्टिंग की वजह से फिर से आलोचित हुई। हालांकि दीपिका के करियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म कॉकटेल थी, जिसे समीक्षकों के द्वारा प्रशंसा मिली और उन्हें कई अवार्ड शो में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिर 2013 में उन्होंने दर्शकों को दो बड़ी हिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और ये जवानी है दीवानी दी। हालांकि अगले साल फिर से उन्होंने आलोचना में बने। उनके हैप्पी न्यू ईयर ने एक बार फिर से एक बड़ा सवाल पैदा किया, लेकिन उन्होंने 2013 में रामलीला, 2015 में बाजीराव मस्तानी और 2016 में पद्मावत में अभिनय कर अपनी क्लास को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। वो स्क्रीन पर जितने कठिन कैरेक्टर प्ले करती है, ऑफ स्क्रीन भी उतना ही कठिन है। अगर कोई गलत करता है तो वो आसानी से उसे नहीं छोड़ती है। लड़कियों की शिक्षा और सुविधाओं के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को भी नहीं छोड़ा। रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपना पहला प्यार दीपिका से किया था और दीपिका भी। हालांकि दीपिका को रणबीर कपूर की लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन के लिए उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब रणवीर सिंह से शादी करने को लेकर सभी फैंस को फिकर थी। सभी की दिलचस्पी इस बात में थी कि शादी कहां और कैसे होंगी। हालांकि ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि बार बार हार कर भी जीवन में कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। उन्हें देखकर सीखा जा सकता है कि कई फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश जारी रखी। अब उन्हें नायकों के समान पारिश्रमिक मिलता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आप दीपिका के बारे में जरूर सोचें। शोपीस से लेकर बॉलीवुड की क्वीन, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।